Hey guys, welcome back to another video. And guys, जैसे आप सभी को पता होगा, देखो यार BGMI हो या PUBG वाले हो, लाइक आप कितना भी हैकर्स को बैन कर लो यार, वो किसी ना किसी तरीके से वापस आ ही जाते हैं. एक्चुअली मतलब यहाँ पे लाइक कितनी भी अपडेट्स देते हैं, कुछ भी देते हैं यहाँ पे लाइक जो हैकर्स है यार, वो बिल्कुल खत्म तो कभी भी नहीं होने वाले हैं. बट हाँ, हैकर्स को यहाँ पे कम किया जाता है बिकॉज जिस हिसाब से यहाँ पे एंटी चीट्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे हैकर्स का रेशियो जो डाउन हुआ हमें देखने के लिए मिल जाता है. जैसे BGMI में बहुत सारे हैकर थे पिछले सीजन, बट हाँ अभी धीरे धीरे यहाँ पे कम होते जा रहे हैं. तो इसी तरह गाइज यहाँ पे लाइक एक न्यू टेक्नोलॉजी लाई गई है यहाँ पे गेम वालों की साइड से, इसका नाम है गाइज यहाँ पे न्यू रिसोर्स प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी 2.0. एंड गाइस अभी आप सोच रहे होंगे भाई इसका क्या मतलब है, एंड एक्चुअली में यहाँ पे किस तरह से वर्क करेगा एंड इसका क्या प्रॉफिट होने वाला है. बेसिकली हमें जो यहाँ पे हम लेजिट प्लेयर है वो हम हैकर से मतलब क्या हमें फायदा होगा, मतलब हैकर्स किस हिसाब से इसमें बैन होने वाला है. सो एक्चुअली में देखो यार आप सभी को पता होगा बिकॉज यहाँ पे जो एंटी चीट है यार यहाँ पे जो है अभी BGMI एंड PUBG दोनों में, वो यहाँ पे लाइक जो बड़े हैकर से सिर्फ उन्हीं को डिटेक्ट कर पाता है, लाइक जो छोटे मोटे हैक्स लगा के बैठते हैं लाइक वो छोटे लेवल पे, उन सभी को यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाता है. उस वजह से वो हैकर्स यहाँ पे इजीली आके यहाँ पे चिकन डिनर भी निकाल लेते हैं एंड एक्चुअली मतलब यहाँ पे अपना इजीली हैक भी यूज कर पा रहे हैं, बट जो एंटी चीट है वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उनको बैन पैन नहीं पड़ रहा है. सो इसी के रिगार्डिंग गाइस यहाँ पे छोटे हैकर्स को बैन करने के लिए जो लाइक मतलब छोटे मोटे हैक्स लगा के एंड गेम यहाँ पे चिकन निकाल लेते हैं, तो एक्चुअली में उनको बैन करने के लिए यहाँ पे लिए लाया गया है एंड जिसका नाम मैंने आपको बताई दिया गया यहाँ पे न्यू रिसोर्स प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी 2.0. एंड एक्चुअली में अगर देखा जाए अभी यहाँ पे BGMI में तो आ चुका है, बट यहाँ पे BGMI की बात करें तो एक वीक के अंदर आ जाएगा. थोड़ा बहुत यहाँ पे 3-4 दिन का टाइम लेता है BGMI एंड हाँ PUBG में पहले आ जाता है 1-2 दिन पहले. सो हाँ BGMI में बहुत जल्दी आ जाएगा. एंड बेसिकली इसमें क्या इन्होंने बताया गया, देखो यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो नो ग्रास यूज करते हैं, बेसिकली यहाँ पे कोई भी ग्रास नहीं दिखाई देता है एंड वो इजीली किसी भी लेटे हुए बंदे को मार देता है. तो एक्चुअली में इस हैक की वजह से यहाँ पे बहुत सारे बंदे यहाँ पे आराम से चिकन निकाल रहे हैं एंड ये बैन पैन डेटा अटैक भी नहीं कर पा रहा इसको. तो एक्चुअली में इसी के रिगार्डिंग ये लाया गया. एंड सेकंड चीज यहाँ पे बताई गई, इन्होंने यहाँ पे नो ग्रास तो हो गया, उसके बाद नो रिकॉइल. एक्चुअली में बहुत सारी गन्स ऐसी होती है भाई जो बहुत ज्यादा रिकॉइल करती है, लाइक M249 अगर आप 6x पे चलाओगे तो मतलब बहुत ज्यादा रिकॉइल करेगी, बट अगर आप वहाँ पे हैक यूज कर लेते हो तो एक्चुअली मतलब सामने वाले के लिए बिल्कुल ही वो अनफेयर हो जाएगा बिकॉज आपकी गन यार बिल्कुल भी रिकॉइल नहीं करेंगे एंड आप एक स्प्रे में लाइक मतलब समझ लो ना 8-10 बंदे इजिली निपटा सकते हो. बट एक्चुअली में यार वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है बिकॉज एक्चुअली में जो बंदा फेयर खेल रहा है उसको बहुत ज्यादा गलत लगता है, मतलब बेसिकली वो एकदम से कैसे मर गया, बिकॉज यार मतलब सामने वाला बंदा घास में लेटा है पूरा मतलब छुपा हुआ है बहुत दूर है, बट आप यहाँ पे नो ग्रास यूज करके नो रिकॉइल यूज करके उसको इजीली मार देते हो तो लाइक उसको बहुत यहाँ पे बुरा फील होने वाला है. एक्चुअली में हम सभी को होता है, सभी अगर से मरे हैं. बट एक्चुअली में देखो गाइस यहाँ पे सीन ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है बेसिकली जो भी अभी बैन पे न्यू सिस्टम आया है यही सब काम करने वाला है, इसी टाइप के लाइक यहाँ पे हैकर्स को बैन करेगा बिकॉज बहुत सारे टाइप के ऐसे हैक होते हैं जो छोटे लेवल पे होते हैं. मेरे कुछ यहाँ पे लाइक बात करी थी मैंने हैकर्स वगैरह से, जैसे मैंने एक्सपोज वीडियो वगैरह बनाए थे तो उन लोगों ने यही बोला था कि अगर हम बड़े हैक यूज करते हैं, हम कार कोड आते हैं ये सब करते हैं तो हमारी आईडी बैन होने के चांस ज्यादा होते हैं, बट अगर मतलब स्पीड हैक वगैरह ये सब यूज करते हैं, बट अगर नॉर्मल हैक यूज करते हैं तो आईडी बैन होने के कम चांस होते हैं. तो एक्चुअली में उसी चीज को यहाँ पे इंप्रूव करते हुए यहाँ पे लाइक ये अपडेट लाई गई है जिसकी मदद से लाइक जो छोटे मोटे यहाँ पे हैक्स यूज हो रहे हैं वो हैकर्स भी यहाँ पे बैन हो, बिकॉज यार छोटे मोटे भी यूज कर रहे हैं एक तरह से वो अनफेयर है, मतलब सीधा सा अनफेयर है, तो एक्चुअली उनको भी बैन पड़ना चाहिए. तो हाँ उसी की रिगार्डिंग ये आया. एंड ये पबजी वाले में तो आ चुका है, BGMI में भी जैसे मैंने बोला एक वीक के अंदर आपको ऑलमोस्ट देखने के लिए सभी को मिल जाएगा. तो हाँ ये BGMI में आ जाएगा तो और ज्यादा सही रहने वाले बिकॉज यहाँ पे तो हैकर्स बहुत सारे बड़े पड़े हैं. बाकी अब बताना आपको कैसा लगा यहाँ पे जो न्यू सिस्टम आया बेसिकली. बाकी आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस.